ये लोगों को क्या दिखते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी जरूरतमंद परिवार ने डिलीवरी करानी है तो 35 से 40 हज़ार रुपये लगते हैं, और वहाँ पे पहुँचना और वहाँ से आना भी एक दिक्कत का काम है। एम्बुलेंस में जाया जाता है, एम्बुलेंस में ही आया जाता है, तो ये सारा का सारा 50 हज़ार रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने देखा कि बहुत से जो इलाज नहीं करवा पा रहे थे और बहुत सी डिस्करेज हो रहे थे, तो ये मैंने स्टेप उठाया किस तरीके की सुविधा भी हल्के में शुरू की जाए। और ये सुविधा सारे मैंने जब नेट पे सर्च की तो कहीं भी नहीं है, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि लाड़वा हल्के से हमने ये शुरुआत की, जिसमें कि एम्बुलेंस किसी की कॉल आती है एम्बुलेंस भी जाएगी, और आदेश हॉस्पिटल में चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है चाहे वो सर्जरियन डिलीवरी है, वहाँ पर उसका ऑपरेशन से या नॉर्मल डिलीवरी से जो भी इसका इलाज होगा वो किया जाएगा। उसके बाद जब उसको छुट्टी मिलेगी तो वैन से ही उसको घर छोड़ा जाएगा, और अगर कोई कन्या मेरी बिटिया पैदा होती है तो 1100 रुपये का शगन दिया जाएगा। ये टोटल सुविधा जो है बिल्कुल फ्री होगी। सारा खर्चा संदीप कर रहे? हाँ, सारा खर्चा अभी तो मैं ही उठाऊंगा, कहीं कोई परमपिता परमात्मा ने दिक्कत दी तो आप लोग भाई हैं सारे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिम्मत मार के इस काम को रोकेंगे नहीं, चलने देंगे। सिर्फ लाड़वा के लिए या कोई भी आसपास के इलाके? अभी हमने सिर्फ एक लाड़वा के लिए और शाहबाद के लिए शुरू की है, बहुत जल्दी इसका रिस्पॉन्स देख के जैसी भी ज़रूरत होगी इसको हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी मेरे कार्य चल रहे हैं हम चाहते हैं कि वो सुविधा सबको मिले। देखिए, यहाँ पे मानव जाति का एक रूप लेके सभी इस धरती पर उतरे, सबको मिलना चाहिए। मुझे लाड़वा हल्का मिला है कि सेवा करने के लिए, परंतु मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा अपने आप को ये नहीं समझता, यहीं तक सीमित रहूँ, क्योंकि हर एक आदमी का हक है अपना अच्छा जीवन को जीना। तो जहाँ जहाँ मैं आगे जा सकता हूँ उस क्षेत्र में मैं आगे कार्य कर रहा हूँ। तो पूरे हरियाणा में खुलेगी? देखिए, ये तो समय बताएगा, मेरी इच्छा तो सारे हिंदुस्तान में खोलने की है, परंतु कुछ कार्य पता नहीं परमपिता परमात्मा को ही पता होते हैं कि उसने कैसे करवाने हैं, किस तरीके से करने हैं। अगर हाँ, लाड़वा की जनता ने आशीर्वाद दिया और कोई मुझे पद मिला तो सारे हरियाणा में तो कोई खास बात नहीं है, उस वक्त हम शुरू करते हैं। रादौर हम छठी रसोई जल्दी खोलने जा रहे हैं, वहाँ के कुछ लोगों की डिमांड आई थी, रोटरी क्लब से मैं वहाँ जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ के मेरा बहुत प्यार है उन लोगों के साथ। अभी रामलीला के भी मैं एक रिबन काटने के लिए वहाँ गया था, और जैसे कि आप जानते हैं कि रिबन मैं खुद नहीं काटता, अपनी बेटियों से कटवाता हूँ, तो वहाँ के लोगों ने भी इसकी इच्छा जाहिर की कि यहाँ भी हमारे लिए रसोई खोली जाए, तो मेरा मन किया कि यहाँ भी ज़रूर खोलते हैं, बिल्कुल खोलेंगे। आज ये कार्यालय ऑफिस बनाया सर? आज ये 40 नंबर जो कार्यालय है नई अनाज मंडी लाड़वा में, इसका भी हमने एक छोटा सा पूजा पाठ किया, हवन किया, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई आदमी मिलना चाहता है, कोई आदमी बात करना चाहता है, या आके कोई कार्ड देना चाहता है, कोई सुख दुख की बात करना चाहता है, तो उसके लिए हमने ये कार्यालय खोला है। और आप सभी लोग कभी भी मेरे से मिलने के लिए या मेरी टीम से मिलने के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो लोकसभा के लिए भी तैयारी बनाई जा सकता है? देखिए, अभी तो मैं लाड़वा हल्के से ही एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ना चाहता हूँ, परंतु जैसी भी कोई जिम्मेवारी मुझे दी गई, मैं कोई भी जिम्मेवारी से भागने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ, अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हूँ। तो किसी पार्टी से टिकट मिलता तो? देखिए, पार्टी के टिकट के लिए सभी लोग अपने अपने जैसे भी नुमाइंदे हैं भेज रहे हैं, परंतु मैं लाड़वा की जनता से बगैर पूछे कोई भी निर्णय नहीं लूँगा। तो यह निश्चय बना लिया इलेक्शन लड़ना है? मेरा तो निश्चय है, बाकी परमात्मा को पता है कि क्या करेगा, बाकी मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में ही लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि लाड़वा की जनता चाहती है कि आप आजाद उम्मीदवार के रूप में ही आओ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।